मैसूर से हम लोग ने होटल चेकआउट करके हम लोग निकल गए हैं ऊटी के लिए। मैसूर से ऊटी 125 किलोमीटर है वाया बंदीपुर टाइगर रिजर्व। दूसरा भी एक रास्ता है वो जो घूम के जाता है, वायनाड होके जाता है, लेकिन उसके लिए केरला के अंदर एंट्री करना पड़ेगा, फिर तमिलनाडु के अंदर आना पड़ेगा। तो ये एक शॉर्टकट है बंदीपुर वाला, लेकिन 6 बजे के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है क्योंकि वो फॉरेस्ट एरिया में आता है। तो अभी हम लोग का जर्नी है 3 या 4 घंटे का। अभी हम लोग जा रहे हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व, जो यहाँ पे बड़ा फॉरेस्ट है। जल्दी जाना है तो ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अभी अंदर जो भी है वो वीडियो के थ्रू आपको दिखने मिलेगा। वहाँ पे पार्किंग नहीं अलाउड है, टाइगरों के लिए जगह है। तो बड़ा एक और है जिम कॉर्बेट, वो नॉर्थ में है, और इससे बड़ा और ये भी एक बड़ा बंदीपुर का है टाइगर रिजर्व का। तो वो तो हम होके आए, आज अभी ये वाला देखेंगे। ये तमिलनाडु में पड़ता है और यहाँ से सीधा निकल के हम ऊटी चले जाते हैं, और 3 घंटे का रास्ता हमारा कट हो जाता है हाईवे से, और इसमें बच जाता है। चलो फिर साथ में चलते हैं। बंदीपुर नेशनल पार्क साउथ इंडिया के कर्नाटक राज्य में पड़ता है। सन 1974 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया था। पुराने समय में यह मैसूर राज्य के राजा का पर्सनल हंटिंग पॉइंट था। बंदीपुर नेशनल पार्क 874 वर्ग किलोमीटर का घिरावा है। जो भी लुप्त प्रजातियां हैं वन्य जीवों की, उन्हीं का ख्याल रखने के लिए यह बंदीपुर का रिजर्व पार्क बनाया है। मृदुमलाई नेशनल पार्क और वायनाड अभयारण्य से घिरा हुआ यह टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जिससे इंडिया का सबसे बड़ा संरक्षित यानी रिजर्व प्लेस बन जाता है। बंदीपुर चामराज डिस्ट्रिक्ट में मृदु गुंदुलुपेट तालुके में पड़ता है। मैसूर से ऊटी जाने वाले रास्ते में यह बंदीपुर नेशनल पार्क पड़ता है। ये चेक पोस्ट से अभी हम तमिलनाडु स्टेट में एंट्री करेंगे और ये ऊटी जाएंगे आगे रास्ते में। और जंगल में हमें हाथी जैसे प्राणियां भी दिखने के लिए मिल गए। यहाँ से हमारी ऊटी की चढ़ाई शुरू हो रही है। अच्छे अच्छे नजारे मिलेंगे देखने के लिए। और यहाँ के जो रोड के बैंड है वो एकदम हेयरपिन यू बैंड जैसे है, तो चढ़ाई बहुत ही खतरनाक होने वाली है और संभल के जाना पड़ेगा आगे। अभी जो यहाँ पे नज़ारा है वो आसमान नहीं दिख रहा है, जहाँ तक है पहाड़ है, और उसी टाइम फिर बादल भी उसमें लहर टहल रहे हैं। अच्छा एकदम नज़ारा लग रहा है। और जो रास्ते हैं वो पूरे घुमावदार और मरोड़दार है, बहुत ही दिल पक्का करके चलना है तो ही जा सकते हैं ऊपर। मुझे तो जाना है, वैसे तो मुझे भी तकलीफ होती है कभी कभी, लेकिन इसमें तो जाना ही है। और ऊपर जाके अभी देखूंगी कि कैसा है। और भी बोल रहे थे कि ये वीरप्पन जो थे डाकू, वो इसी जंगल में रहते थे। ये लोकल लोगों से बात करके पता चला। यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ भी रुक रही है, एक व्यू पॉइंट है इन्होंने बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, वहाँ पे हम रुके और देख रहे हैं।
कि सब कैसा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है।